हे गाइस, वेलकम टू सर्वा फैमिली। कश्मीर सीरीज के एक एपिसोड में हम पहलगाम पहुंच चुके हैं। पहलगाम द वैली ऑफ शेपर्ड्स, इट इज़ द गेटवे ऑफ द अमरनाथ यात्रा, स्टार्टिंग गेटवे ऑफ द अमरनाथ यात्रा। ऑन द वे टू पहलगाम वी हैव स्टॉप्ड हेयर इन द एप्पल वैली, सो लेट्स गो इनसाइड इन द एप्पल वैली। So we are here in the apple garden, beautiful trees of the apple. So यहाँ पर हैं हम किनके साथ? सुहेल मैम। सुहेल सर के साथ में। There are so many varieties of apple products, chutneys, garlic and pickle jam, walnut jam. Yes. So ये सर थोड़ा सा हमारे को अपने products के बारे में और उनके details के बारे में बताएंगे, तो बात करते हैं इनसे। बताइए सर, ये क्या क्या आपने हमें दिया है? मैंने आपको फर्स्ट वन दिया था एप्पल पिकल, इसमें एप्पल के पीसेस मिलेंगे। ओके ओके। और सेकंड वन दी थी चटनी एप्पल की, ये क्रस्टेड है चटनी। जी जी जी। और दी थी गार्लिक के स्टम्स का पिकल। ओके यस। और गार्लिक, कश्मीरी गार्लिक चटनी दी थी जी। और जैम में मैंने टू वैरायटीज दी थी आपको, एक तो प्लेन जैम दी, फ्रेश जैम है इसी साल के एप्पल का। ओके। और इसमें वॉलनट एप्पल हनी सैफ्रॉन मिक्स है, इसमें सैफ्रॉन का कलर है। और भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारा आता है मलबरी का जैम, आता है हमारा शहतूत का, चेरी का जैम आता है। So ये सर अप्रोक्सीमेटली क्या प्राइस में होंगे? इसमें मैम 250 के सारे है, और इसमें हमारा रहता है ये वॉलनट एप्पल जैम, ये 350 का रहता है। ये 350 का। जो सैफ्रॉन वाला है वो भी सेम प्राइस है या कुछ ज्यादा? कौन सा वाला मैम? यही वॉलनट एप्पल हनी सैफ्रॉन जो वाला, ये 350 है, बाकी सारे 250 के रहते हैं। ओके ओके। तो और एप्पल्स वगैरह यहाँ पे क्या प्राइसेस हैं उनके? एप्पल मैम जो कस्टमर आएगा वो तोड़ के अगर लेगा तो 100 रुपीज केजी जाता है। अच्छा। हाँ, वैसे हमारा 20-30 रुपीज भी केजी होता है। सेब सेम होता है, मगर जो नीचे खुद गिरता है ना पेड़ से, हाँ जी, क्वालिटी सेम होती है, उसमें थोड़ा सा दाग लगता है, वो जाता है 20-30 रुपए केजी, वैसे रेट जाती है। अच्छा। और ये जो गोल्डन वाला पीछे दिखा रहे हैं, ये क्या? 100 रुपीज। ये भी 100 रुपीज है। अच्छा। और बाहर वैसे नॉर्मल मार्केट में क्या प्राइस होता है? इसमें 150-180 जाता है, वैसी क्वालिटी होती है, हमारा फ्रेश ही होता है, जैसे कस्टमर आता है सेट्स पे होता है तोड़ के लेके, वैसे ही हमारा जाता है। तो सर ये आपके ये जो एप्पल है यही सारे ऑल ओवर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? अच्छा। एक्सपोर्ट भी होता है, जो बेस्ट क्वालिटी होती है वो एक्सपोर्ट ही होती है। और आपके यहीं से सबसे ज्यादा एप्पल जाता है या कहीं और? यहीं से ज्यादा जाता है, अननर्स से। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अगर हमारे कस्टमर्स में से कोई लेना चाहेंगे तो दे कैन ऑर्डर यू ऑनलाइन। आई विल ड्रॉप योर नंबर इन आवर ब्लॉग। वहां पे हमारा नंबर लिखा हुआ है बोर्ड पे। जी जी जी। वो ये सर इनका नंबर है 8825047206। यस मैम। सो आप जब भी लेना चाहें यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके मैम। तो व्यू ऑफ द एप्पल गार्डन, हम रोहिणी में रहते हैं। तोड़ के ले तो हम 100 रुपीज के ले सकते हैं। हाँ मैम, हमारे पीछे से तो वी आर नाउ इन द एप्पल गार्डन। तो क्या जूसी एप्पल है, हमारे वहाँ के एप्पल और यहाँ के एप्पल में तो बहुत डिफरेंस है, टेस्ट वाइज बहुत जूसी एप्पल है। ये सारा रेडी है, रेड होने से रेडी नहीं होता है। ये सब ग्रीन भी हल्का होना चाहिए, कौन सा थोड़ा साइड से नहीं पड़ती इसे। ये वैरायटी भी अलग-अलग है, इसमें अलग-अलग वैरायटीज है। Today from Pehlgaon we will be heading towards Beta Valley and Chandanwadi, and then if time permits then we will be visiting mini Switzerland, the Bessarin Valley. So guys, now we are heading toward Bessarin Valley and four points which they have shown to us.
सो दिस इज द मार्केट एरिया ऑफ द पहलगाम। जो महाराजा हरि सिंह है ना, वो यहाँ पे शिकार खेलने के लिए आता है। उसने एक तीर से दो शिकार किया, हिरन और शेर का, एक तीर का, समझ गया? जो ये मिट्टी का घर है, खेती देती है, ये उसने टिप में दिया इसको, समझ गया? कश्मीर वैली, जो पुराने जमाने का लोग होता है ना, इस पहाड़ से जाता है पीछे, वो पैदल नीचे पहुंचता है श्रीनगर। उस टाइम यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं था। वैली, यहाँ जून जुलाई में कैंपिंग लगता है पूरा एरिया में, सफल लोग का कैंपिंग लगता है। उनके पास बजट की कमी रहता है, उनको सरकार भी थोड़ा पैसा देता, खुद का भी निकाल कर 10-15 के एक साथ शादी होता है। इसको बोलता है कश्मीरी में दुनो वैली है, दुल्हन वैली। क्या है दुल्हन वैली? उस टाइम मिलता है यहाँ पे दूध का रोटी और घास का जूता। घास का जूता विंटर में लगता है, स्लिप नहीं होता है। दूध का रोटी वो खिलाता है दुल्हा दुल्हन को। तो ये फेमस जगह है यहाँ का। सो नाउ वी हैव रीच द बेसन वैली, आल्सो नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड। द टिकट प्राइस फॉर एन एडल्ट इज 30 एंड फॉर चिल्ड्रन इज 15 रुपीज। एंड ऑल्सो वी कैन सी दैट वी कैन एन्जॉय जिप लाइन हियर। वी आर इन बेसन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है कश्मीर का। पहाड़ों पे अभी भी फॉग हो रही है अच्छे से। आदमी यहाँ अच्छे से सुकून से बैठे, थोड़ी देर टाइम निकाल के आइए यहाँ पर। लश ग्रीन मिडोस, यू मस्ट बी सीइंग स्नो ऑन द पीक्स। बाकी तो सारा बादलों से ढका हुआ है। सो जस्ट नाउ एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द बेसन वैली, मिनी स्विट्जरलैंड। अगर भगवान ने चाहा किसी दिन तो हम आपको स्विट्जरलैंड का व्लॉग भी पेश करेंगे। अब धीरे धीरे धूप निकल रही है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये मुन्नी का घर है, बजरंगी भाईजान मूवी का। सलमान खान को बड़ा टाइम लग गया इसको ढूंढने में। यू कैन एंजॉय द जिप लाइन आल्सो हियर। चार्जेस फॉर द जिप लाइन इज 350 हियर, तो यू कैन आल्सो एंजॉय द जिप लाइन। तो यहाँ किराए पर आप कश्मीरी ड्रेस लेके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एंजॉय कर सकते हैं। ये फोटोज और वीडियोस ये आपकी सुनहरी यादों का आईना है एक तरह से। हम बेसन से वापस पहलगाम जा रहे हैं। सो बाय बाय बेसन। नो डाउट बेसन वैली जो है बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो पोनी राइड का रास्ता है बेसन वैली की तरफ से, वो अपने आप में ही एक एडवेंचर है। तो आप जब भी आइए पहलगाम, तो बेसन वैली यहाँ पे जो वैली की तरफ के लिए पोनी राइड मिलेगी। वैसे तो टूरिज्म की तरफ से उनका 2400 का प्राइस है, तो बेसन वैली का है सिर्फ, पर आप बार्गेन करके 1500 तक भी ला सकते हैं। पहलगाम आने के लिए एक दिन काफी नहीं है। पहलगाम के लिए आप एटलीस्ट 2 दिन निकाल के आइए और एक रात यहाँ स्टे कीजिए। पहले दिन आपको सारे पॉइंट, बेसन वैली, मिनी स्विट्जरलैंड, ये सारे पॉइंट जो भी आते हैं उनको कवर कीजिए। और दूसरे दिन आप यहाँ से बेताब वैली, आरू वैली, चंदनवाड़ी की तरफ जा सकते हैं। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द टाइम, एक्चुअली हमारा एक ही दिन का प्लान था, तो वी कांट गो फॉर द बेताब वैली, चंदनवाड़ी और आरू वैली। लेकिन आप जब भी पहलगाम आइए तो 2 दिन का प्रोग्राम बना के आइए। So this is the selfie point here. What a quote written, make memories that last forever. So at this point it is written, love Pahalgam. So this is Leda river, it's so beautiful. Come to Pahalgam
नदी के किनारे आइए, थोड़ा समय बिताइए। पहलगाम से अब हम वापस अपने हाउस बोट पर चलते हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़।